फ्रांस की अदालत हुकूमत पेरिस में एक पादरी पर नाबालिग बच्चे के साथ बदफेली के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ब्रेटनी के ब्रोसियलान में सेंट लुइस मैरी के चर्च में मजहबी जिम्मेदारी अंजाम देने वाले पादरी पर शबा है कि उसने 3 नवंबर को 15 साल लड़के को नशा आवर मशरूब पिलाकर पेरिस के एक होटल में उसके साथ बदफेली की, जबकि इससे पहले वो डेटिंग की दरख्वास्त पर मिला था। नाबालिग लड़के की तबीयत खराब होने पर उसने अपने दोस्तों को फोन किया जिन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज से राब्ता किया। जराए के मुताबिक 51 साल पादरी ने पुलिस को बताया कि वो नहीं जानता था कि बच्चा नाबालिग है। अब उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। रेनिस के आर्च बिशप पेडी और निलास ने जुमेरात को ऐलान किया कि इसने रोम में कैथोलिक चर्च के हकाम को इस मामले की इत्तला कर दी है और वो फ्रांसीसी हकाम के साथ तआवुन करेंगे।